सिमरी हरचन से। सिमरी हरचन सरकारी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से हुई मासूम बच्चे की मौत। मौत का कारण डॉक्टर के कंपाउंडर के इंजेक्शन लगाने के कारण बच्चे की मौत हुई। उसके पिता ने स्पष्ट रूप से कहा, अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही से एक 5 महीने के बच्चे की मौत। शासकीय अस्पताल के कर्मचारी ने बच्चे को लगाया इंजेक्शन जिसकी आयु करीब 5 माह थी। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे के सिर में चोट थी। घाव की सफाई करने के बाद बच्चे को इंजेक्शन लगाते ही बच्चे की मौत हो गई। विदित है कि बच्चा चौराहेट निवासी था। घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी में लिखा दी गई है। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुहागपुर भिजवा दिया है। क्या नाम आपका? राम स्वरूप। आपके पिताजी का नाम? देवचंद। अच्छा, किसकी मौत हुई है? सिद्धार्थ की, मेरे बालक की लड़का की। कैसे हुई? एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया इसके कारण। कौन डॉक्टर ने? सोनकिया जी का कंपाउंडर पठान। अच्छा, इलाज तो कहाँ हुआ था? यहीं पे हुआ था। घर में या अस्पताल में? अस्पताल में। नहीं, अस्पताल में तो घर, ये घर के अंदर। हाँ, घर के अंदर। कितने टाइम हुआ? ये करीबन 2 बजे आज। हाँ, तो कैसा क्या हो गया था बच्चे को? बच्चे पलंग पे गिर पड़ा था तो सिर में चोट लगी थी। अच्छा, तो उसके इलाज कराने के लिए आए थे। तो 1 हफ्ते से आते थे रोज यहीं पे इलाज कराने। तो ये पट्टी बदल थे और रोज पट्टी बदलवा के हम चले जाते थे बालक को लेके। तो आज इनने इंजेक्शन लगा दिया। इसी जैसे इंजेक्शन लगाए वैसे बच्चे की आँख थम गई, मतलब मृत्यु हो गई। अच्छा, डायरेक्ट। आप बच्चे कौन? पापा। कहाँ रहते हो? चौराहेट। बच्चे की उम्र क्या अभी? और 5 माह का। 5 माह जी। नाम क्या तुम्हारा? राम स्वरूप। पूरा नाम? राम स्वरूप अहरवार, चौराहेट। पुलिस में रिपोर्ट वगैरह करवाई आपने? जी। कहाँ करवाई? सेंद्री चौकी में। अच्छा अच्छा, कहाँ पर? क्या रिपोर्ट करेंगे आप? क्या क्या चाहेंगे? नहीं, इस विषय को लेकर तुम्हारे डॉक्टरों से कोई चर्चा हुई है क्या? नहीं, कुछ चर्चा नहीं है सर। क्यों कर रहे हैं? हमको बता देते जब उनके बस में नहीं थी बात। तो इलाज लगभग कितने दिनों से चल रहा था बच्चे? 1 हफ्ते पहले से होता था। कुछ नहीं, पट्टी बदल देते थे और वैसे उसके सिर में चोट लगी, कोई नहीं थी। बत्ती डाल देते, उनकी सूख जाएगा, बैठ जाएगा। इंजेक्शन कौन से डॉक्टर ने लगाया? पठान ने। पठान? ये पठान नहीं है, इसका कंपाउंडर। सात दिन से करवा रहे थे जी। तो आज इलाज के दौरान जब उसको डॉक्टर साहब ने देखा और शायद कोई इंजेक्शन लगाया, उसके कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ी और वो एक्सपायर हो गया। ये किस गांव के हैं? ये चौराहेट गांव है, यहाँ बाबई थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ के रहने वाले। जैसे इसका इलाज किस जगह हो रहा था? ये सिमरी हरचंद सरकारी हॉस्पिटल में। उसके पिताजी बता रहे हैं कि डॉक्टर सोनकिया जी के निवास पर हो रहा था। अभी मुझे जानकारी नहीं है, उनको उनसे क्लियर करना पड़ेगा, पर अस्पताल में इलाज चल रहा था, मुझे ऐसी जानकारी मिली। अभी कार्रवाई कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई। इन्होंने कंप्लेंट करवाई है? हाँ, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। खबर भारत वर्ष के लिए सिमरी हरचंद से कमल मेहरा की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।